हिंदुस्तान के कॉन्ट्रैक्ट लेबर की हालत के बारे में आपको दो मिनट बताएं, जिसका संख्या देश में 50 करोड़ से भी अधिक है, लेकिन उसका हालात सबसे बदतर से बदतर हो जा रहा है। जो कांग्रेस का टाइम में देश का आजादी का पहला दिन 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाया, मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया, बोनस एक्ट बनाया, समान काम का समान वेतन बनाया, लेकिन आज मोदी सरकार ने ये तमाम कानून को धोसिया उड़ा के नया कानून लाया। मुझे ये बात समझ नहीं आती है, आप लेबर की आवाज हो, आपने मजदूरों के लिए काम किया, ये जो मीडिया वाले हैं आपकी बात कभी क्यों नहीं रखते? मजदूर देश को बनाया है, निर्माण किया है, और मजदूरों का मेहनत का जनता का जो आवाज है उस आवाज को उठाने का जिम्मेवारी मीडिया का है, लेकिन मीडिया कॉर्पोरेट घराना का ही हिफाजत में उनका ही कारण उनके लिए ही पवन धन्ना सरकार लिए काम करते हैं, उसी ने गरीब मेहनत कश मजदूरों का आवाज को ना उठा के उनका साथ अन्याय किया जा रहा है। मैं यहाँ साफ कहना चाहता हूँ, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट लेबर के खिलाफ हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं है, ये श्रमिकों के खिलाफ अन्याय हो रहा है।